क्लास जो आपका थर्ड चैप्टर है द ब्रेव लिटिल काइट, इसमें सिंपली क्या है कि ये पोइम है जो इंस्पायर करती है ऊँचा उठने के लिए, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये किसी की डेरिंग, इट डिस्क्राइब द डेरिंग फ्लाइट, ये किसी जो छोटा काइट है उसकी डेरिंग, ठीक है, जो पहले वो डरता था, ठीक है, उसकी फ्लाइट के बारे में बता रही है। हु इनिशियली वाज अ प्रेयर, जो शुरू में बहुत ज़्यादा उड़ने से डरता था, बट लेटर उसके बाद क्या हुआ, उसने ऊंचाइयों को छू लिया, मतलब आसमान की ऊंचाइयों को उसने क्या किया, छू लिया। आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेट, जो छोटा काइट था, छोटा पतंग था, वो बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। एज ही लुकड ऑल द एट द अदर्स हाई हिज एट, जब उसने दूसरे पतंगों को अपने सिर के ऊपर उड़ता हुआ देखा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, वो बोल रहा है कि मुझे पता कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा, फ्लाई करने की कोशिश करूँगा, तो मैं नीचे गिर जाऊँगा। ट्राई सेट द बिग काइट, ओनली ट्राई, जो बड़े वाला पतंग है ना, वो उसे बोल रहा है कि ट्राई करो, ठीक है, सिर्फ ट्राई करो, आप कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, और अगर तू डरेगा तो तू कभी भी इसे सीख नहीं सकता कि कैसे उड़ना। बट द लिटिल काइट सेट, पर जो छोटा पतंग था वो बोल रहा आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मुझे डर लग रहा कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। द बिग काइट नोटेड, जो बिग काइट है, ठीक है, उसने क्या बोला, ओह वेल गुड बाय, वो बोला ठीक है गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑफ, ठीक है। एज ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और वो शांत स्काई की तरफ उड़ गया। देन द लिटिल काइट पेपर स्टेड एट द साइड, जो उसका पेपर है उसको क्या मिली, एक थोड़ी सी स्ट्रीट मिली। स्ट्रीट को आप क्या बोलते हो कि वो थोड़ा सा स्लाइटली हल्के से मूव हुआ जो छोटा काइट था, एंड ट्रेमलिंग, और वो कांपते हुए ही शॉक हिमसेल्फ फ्री फॉर द फ्लाइट, और उसने अपने आप को खुला छोड़ दिया, ठीक है, कि वो फ्लाइट करने के लिए, जैसे अपने आप को पूरी ढील दे दी उसने। फर्स्ट व्हीलिंग, पहले वो घूमा, देन फ्राइटेड एंड फ्राइटेड, वो डरा हुआ घूमता रहा पहले, ठीक है, देन ब्रेवर, फिर उसमें जैसे बहादुरी आती गई, ठीक है। अप एंड अप 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 द रोज टू द एयर अलोन, वो क्या धीरे धीरे ऊपर 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 उठता गया, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन, इतनी देर तक उड़ा कि जब तक उसे जो बिग काइट था वो दिखाई नहीं दिया, मतलब उसके साथ वो उड़ने लगा, ठीक है। कुड सी द लिटिल काइट वन राइसिंग स्टेडली, जब इतनी ऊपर तक उड़ा कि जो बिग काइट, उसे दिखने लगा कि जो लिटिल काइट है, छोटे वाला पतंग है, वो भी धीरे धीरे राइज कर रहा है, ऊपर आ रहा है। एंड देन द लिटिल काइट फिल्ड विद प्राइड, और उसके बाद जो जो छोटे वाला पतंग का, उसे बहुत सारा मान महसूस हुआ, ठीक है। एंड ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और वो जैसे दोनों पतंग साथ साथ उड़ने लगे। वाइल फार ब्लो ही कुड सी द ग्राउंड, उन्होंने नीचे बहुत दूर ग्राउंड देखा, मतलब वो इतने ऊँचे उठ गए ग्राउंड से। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, और जो से बॉयज थे वो उन्हें छोटे छोटे जैसे स्पॉट्स दिखाई देने लगे, ठीक है, वो छोटे छोटे उन्हें दिखाई दे रहे थे आसमान से। दे रेस्ट एंड हाई इन क्वाइट एयर, वो ऊपर क्वाइट शांत एयर में क्या करने लगे, रेस्ट करने लगे। ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, वहाँ पे ओनली बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे। ओह हाउ हैप्पी आई एम, वो छोटा जो पतंग था वो क्राइड, ठीक है, वो चीखा कि मैं कितना खुश हूँ। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राई, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बहादुरी दिखाई, मैं ब्रेव हूँ, ठीक है, और मैंने ट्राई की, कोशिश करी। तो उसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें बहादुरी से कोई भी सिचुएशन हो आपके सामने उसका सामना करना चाहिए।